कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। लगातार बढ़ रहे मामले लोगों पर कहर बरपा रही है। बिहार में शनिवार को 4526 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में शनिवार को 1956 कोरोना के नए केसेस मिले हैं। पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या 7030 हो गई है। इससे पहले राजधानी में 3 डॉक्टरों समेत 1314 नए संक्रमितों की पहचान की गई थी। बता दें कि पटना एम्स में शुक्रवार को 13 नए कोरोना से संक्रमित मरीज भर्ती हुए। एम्स में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। एम्स में हुए विभिन्न जिलों के सैंपलों की जांच में पटना से 171 मरीज संक्रमित पाए गए। पटना एम्स में पिछले एक महीने में कुल 33 कोरोना से संक्रमित मरीज भर्ती हुए। वहीं शुक्रवार को 2 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। पीएमसी के प्राचार्य डॉक्टर विद्यापति चौधरी ने बताया कि पीएमसीएच के कोविड वार्ड में 6 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से 2 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, बाकी के 4 मरीज सामान्य वार्ड में इलाजरत हैं। आपको बता दें कि शनिवार को गया में 284 तो वहीं 263 मामलों वाले मुजफ्फरपुर को पीछे छोड़ते हुए 276 केसेस के साथ बेगूसराय नंबर 3 पर आ पहुंचा है। तो वहीं आज बेगूसराय के सड़कों पर शारीरिक दंड के साथ प्रशासन लोगों से कोविड मानकों को पूरी कराती हुई दिखी। तो वहीं 212 मामलों के साथ नालंदा आज 5वें पायदान पर रहा। बात करें अगर वैशाली की, तो वैशाली में आज कुल 60 केसेस मिले हैं। पटना एम्स में कोविड 19 के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने समीक्षात्मक बैठक की है। इस संबंध में उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग बिहार द्वारा सभी मरीजों के लिए 5 प्रकार की आवश्यक दवाई और उपयोगी सुझाव की ऐसी मेडिकल किट तैयार कर डाक विभाग के माध्यम से बिहार के लोगों को घर तक भेजी जा रही है।